इंदिराजन, ठीक है, थोड़ी देर में। तो करो। आज हम करेंगे, ये 8051 की किट है, इसमें हम दो ऐड करेंगे नंबर 544, दो नंबर ऐड करेंगे हम 544, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले किट करनी पड़ेगी हमें ऑन, इधर से हमने किट की ऑन, ठीक है। तो ये इसके बाद याद आएगी इसमें, तो इसके बाद हमने कीबोर्ड कनेक्ट किया, तो उसके बाद हमने रिसेट बटन दबाना है ताकि किट हमारी पता चले कि सही चल रही है। उसके बाद दबाना हमने एस्केप बटन, ठीक है। एस्केप बटन के बाद हमने प्रेस करना है एम, एम किया प्रेस। एम प्रेस करने के बाद हमने एड्रेस, वो एड्रेस देना है जहाँ से हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। तो 3000 एड्रेस पे हम प्रोग्राम राइट करते हैं अपना, 3000 के बाद। उसके बाद हमने पुरानी किटों में एंटर करते थे, लेकिन इस वाली किट में हमने स्पेस बार दबाना है। तो स्पेस बार दबा के हमने क्या करना है, प्रोग्राम राइट करना है। और ये प्रोग्राम, ये देखो, ये प्रोग्राम है हमारा एडिशन, ओके, एडिशन है ये, ठीक है। एडिशन प्रोग्राम कर रहे हैं हम, तो ये इसको ओप कोड्स हैं, ये ओप कोड आ गया आपका, पहला कोड आ गया 3078, तो ये हमने कर दिया एंटर 78। फिर से स्पेस दबाना है, 3001 पे हमारा क्या है 04, तो 04 हमने एंटर कर दिया। उसके बाद 3002 पे हमने एंटर करना है, 7 9 3002 पे 79, ये आ गया 79, ठीक है। 3003 पे हमने एंटर करना है 05, जीरो ठीक है ना। उसके बाद 3004 पे क्या करना है एंटर, E9, E9 ये आ गया E9। तो फिर से स्पेस दबाना है, 3005 पे क्या करना है 28, ये आ गया 28। 3006 पे करना है हमने 90 90, ठीक है। 90 के बाद हमने 3007 इधर नहीं लिखा लेकिन आ गया है, तो ये आएगा हमारा 30, ठीक है। 3008 पे करना है हमने 12, ठीक है, ये ओप कोड्स हैं हमारे। 3009 पे क्या करना है हमने, F0, जीरो F0, ठीक है। 3000A पे करना है हमने 80 एंटर। 3000B पे करना है हमने ई FE, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट लाइन थी, इसमें हमने प्रेस करना होता है, एक बटन दबाना होता है, हमने एंटर दबाना होता है इसमें, इसमें स्पेस नहीं करना लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में हमने एंटर दबाना है, ये चीज़ नोट करना हमने। एंटर दबाया हमने तो ये डैश बार आना चाहिए, ठीक है ना। डैश बार आ गया, इसका मतलब हमने जो ओपकोड फीड किया है बिल्कुल सही फीड हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है हमने, एग्जीक्यूट उसके बाद हमने दबाना है प्रेस जी दबाना है हमने, ठीक है ना। प्रेस जी दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रेस जी दबाना हमने, तो ये आ गया हमारा 4000। तो इसके बाद बिगिनिंग हमने एंटर डालना है इसमें, एग्जीक्यूट कहाँ से करना है हमने, एग्जीक्यूट हमने 3000 एड्रेस से करना है, 3000 एड्रेस हमने डाला। इसके बाद फिर से एंटर दबाना हमने, ठीक है ना। ये आ गया हमारा एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड कंप्लीट, तो इसका मतलब हमारा एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब 544 जो हमने ऐड करना था वो हमारा ऐड हो गया इसकी मेमोरी में। तो वो मेमोरी कहाँ पे गई है, वो गया हमारा, हमने ओप कोड कहाँ तक फेच किया था, ओप कोड हमने 311 तक लिखा था इसके, ठीक है ना। तो इसका मतलब 312 भी इसका कि क्या रिजल्ट इसका गया, तो 312 पे हमें लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रिसेट दबाना हमने, तो एग्जामिन रजिस्टर करना है हमने, एग्जामिन के लिए हमें प्रेस एम करना पड़ेगा। प्रेस एम करेंगे और एंटर की, कहाँ पे हमारा वो स्टोर है रिजल्ट, 3012 पे स्टोर है, 3012 पे आ गया। तो फिर हमने क्या करना है, स्पेस दबाना है, तो ये देखो रिजल्ट क्या आ गया हमारा 09। तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा रन हो गया। तो ये था हमारा तरीका प्रोग्राम रन करने का, तो ये था, बिल्कुल सही किट काम कर रही है बिल्कुल, ठीक है। कर दो। हाँ।